नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे कल एक कमेंट में यहाँ पे कमेंट दी थी एक ने कि यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल इस्टेट में यहाँ पे पोजिशन होल्ड करूँ या क्या करूँ, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग चार्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं और उसी के साथ फंडामेंटल नंबर्स भी चेक करेंगे इंडिया बुल्स रियल इस्टेट्स के लिए, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। और उसी के साथ आपको कोई यहाँ पे स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लोगों को आंसर मिलेगा, तो मीन्स यहाँ पे एनालिसिस मिलेंगे। तो देख सकते कि इंडिया बुल रियल इस्टेट की बात की जाए तो आज एक अच्छे मोमेंटम देखने को मिले स्टॉक के अंदर, 3.21% की तेजी देखने को मिले। मीन्स तकरीबन स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा वीक नजर आया था, पर यहाँ पे आप देख सकते कि 60 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे आप देख सकते कि इंडिया बुल रियल इस्टेट के लिए। तो 60 लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए स्टॉक, जो कि ऊपर के साइड एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि पिछले कई महीनों से स्टॉक थोड़ा वीक नजर आ रहा था, काफी गिरावट भी देखने को मिली थी। मैक्सिमम चार्ट की भी बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे स्टार्ट में 2010 के पहले काफ़ी ऊपर था, फिर उसके बाद देखा जाए तो स्टॉक में काफ़ी यहाँ पे देख सकते कि लिमिटेड मोमेंटम देखने को मिली। लास्ट 5 ईयर में भी देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे 200 लेवल के करीबन जाके फिर से डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग देखोगे 200 लेवल का यहाँ पे आप देख सकते कि एक रेजिस्टेंस लेके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी यहाँ से, मीन्स यहाँ पे पिछले साल के पहले मीन्स 2021 के एंडिंग में यहाँ पे आप लोग देख सकते कि 200 पे रेजिस्टेंस लिया और वैसे गिरावट जो स्टार्ट हो चुकी थी अभी तक स्टॉक यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। मीन्स ऊपर के साइड एक बेस बना के बाउंस बैक की पोजिशन अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, तो स्टॉक एक सस्टेन होना चाहिए एक लेवल पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक बेस बनाया था, यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक ने एक बेस बनाया था, उस बेस के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस बनाने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी मोमेंटम बाइंग साइड में देखने को मिली थी। उसी तरह यहाँ पे स्टॉक एक बेस बनाना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट लेवल पे, और देख सकते कि वैसा बेस बनता है तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाकी के डिटेल जैसे कि यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में भी देखा जाए तो स्टॉक में 40% डाउन है, 40% की गिरावट देखने को मिले, और लास्ट 6 महीनों में भी देखोगे तो 20% की गिरावट, और 1 मंथ में तकरीबन स्टॉक रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक 52 वीक लो बनाया था इसी मंथ में, लास्ट मंथ में वैसे बाउंस बैक हो चुका है। तो स्टॉक की बात की जाए तो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे स्टॉक के लिए, तो ये डेली चार्ट फ्रेम के एनालिसिस है यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड के लिए। तो क्वार्टर की अर्निंग, क्वार्टर फोर की अर्निंग्स अभी तक आई नहीं है यहाँ पे आई बुल हाउसिंग के लिए, पर यहाँ पे आप देख सकते 60 लेवल है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के लिए। तो देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे 60 लेवल को जब ब्रेक करेगा और ऊपर सस्टेन होगा तो एक अच्छी मोमेंटम ऊपर के साइड देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। जैसे कि 60 लेवल पे सस्टेन होकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है नीचे के साइड, 60 लेवल पे मीन्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है 60 लेवल के करीबन, तो ऊपर जाने के जो चांसेस है बन अच्छे खासे बन सकते हैं। और रिसेंटली देखा जाए तो एक अच्छे पॉजिटिव वॉल्यूम्स भी आने लगे, तो एक 60 लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ 60 लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए स्टॉक, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छे वॉल्यूम्स है, पॉजिटिव वॉल्यूम्स है एज कम्पेयर टू पिछले मंथ के एंडिंग में देखोगे तो काफी वीक वॉल्यूम्स थे और काफी कम वॉल्यूम्स नजर आए थे, पर रिसेंटली देखा जाए इस मंथ में तो एक अच्छे वॉल्यूम्स आने लगे स्टॉक के अंदर, ऐसे पॉजिटिव वॉल्यूम्स कंटिन्यूअस रहते हैं तो स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ जाने के जो चांसेस है और भी बढ़ सकते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया बुल रियल इस्टेट स्टॉक के लिए कोई खास अपडेट तो नहीं है, पर यहाँ पे सस्टेन होना चाहे स्टॉक के अंदर उस 60 लेवल के ऊपर, तब ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। नीचे देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे मंथली चार्ट फ्रेम पे ऊपर भी नजर डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली चार्ट फ्रेम एनालिसिस है इंडिया बुल्स रियल इस्टेट स्टॉक के लिए। तो काफ़ी गिरावट, काफ़ी ऊपर से स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, मीन्स तकरीबन 200 लेवल का रेजिस्टेंस लेके स्टॉक में गिरावट हो चुकी थी। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे 60 लेवल की सपोर्ट लेके यहाँ पे सस्टेन था, पर 60 लेवल को जैसे ब्रेक किया था यहाँ पे 2 महीने पहले, तो स्टॉक रिसेंटली यहाँ पे 50 to 60 लेवल के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है। तो ऊपर के जो लेवल है 60 लेवल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे स्टॉक के लिए, तो 60 लेवल को ब्रेक होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। 60 लेवल ब्रेक होती है और तो ऊपर सस्टेन भी होना चाहिए स्टॉक ने, जो कि ऊपर के साइड जाने के जो चांसेस है बढ़ सकते हैं स्टॉक के अंदर। हेलो,
तो रिसेंटली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई खास यहाँ पे आप देख सकते रिसेंटली डेली चार्ट फ्रेम में तो एक अच्छे वॉल्यूम्स नजर आ रहे, पॉजिटिव वॉल्यूम्स आ रहे। फिर मंथली में देखा जाए तो देख सकते स्टॉक के अंदर थोड़े से नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा नजर आ रहे पिछले 1 सालों से, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी गिरावट भी हो चुकी थी तो वॉल्यूम्स यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहे। क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे आने चाहिए और यहाँ पे कोई खास अपडेट या खास यहाँ पे आप देख सकते न्यूज़ आनी चाहिए जिस कारण स्टॉक यहाँ पे 60 लेवल 60 टू 65 लेवल को ब्रेक करे और ऊपर सस्टेन हो जाए। रिसेंटली वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्वार्टर की अर्निंग्स आएंगे ही थोड़े दिन में तो उसके ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते कि अच्छे अर्निंग्स आते हैं तो स्टॉक एक ब्रेकआउट मिल सकता है 60 लेवल को, पॉजिटिव ब्रेकआउट पर 60 लेवल के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट बात है, मैं काफ़ी देर से यही बता रहा हूँ। तो देख सकते कि स्टॉक की बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर नज़र डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम में तो मूविंग एवरेज की भी बात की जाए तो मूविंग एवरेज तो देख सकते कि 200 मूविंग एवरेज तो 70 लेवल के ऊपर है, पर जो छोटे मूविंग एवरेज है यहाँ पे मोमेंटम चेंज करते हुए नज़र आ रहे, जैसे कि 20 और यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे मोमेंटम चेंज की है, 50 मूविंग एवरेज जो है फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मोमेंटम चेंज होता है मूविंग एवरेजों का तो यहाँ पे 60 लेवल को भी ब्रेकआउट मिल सकता है इजीली। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल नंबर्स चेक करेंगे इंडिया बुल रियल इस्टेट स्टॉक के लिए। तो इंडिया बुल रियल इस्टेट स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि सर आपकी पोजीशन होल्ड करना है या आपको पोजीशन नहीं लेनी है तो आपके एनालिस्ट से भी पूछकर आप लोग यहाँ पे फैसला ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल की बात की जाए तो मार्केट कैप 3221 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशो नहीं है, बुक वैल्यू 78.7 रुपीज़ का है, डिविडेंड नहीं दे रहा है स्टॉक, ROC 1.68% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी -4 का है जो कि यहाँ पे नेगेटिव है, फिर फेस वैल्यू ₹2 का है। कंपनी के ऊपर जो लोन है 696 करोड़ का है लोन। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे लॉस में जाती हुई नज़र आ रही है, इंडिया बुल रियल इस्टेट कंपनी को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, EPS -5.60 का है। रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी 40% डाउन है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात की जाए तो उस कंपनी को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 17 मीन्स काफ़ी लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, मीन्स यहाँ पे कंपनी सेल्स की ग्रोथ भी देखी जाए तो सेल्स में भी गिरावट देखने को मिले और उसके साथ प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है, पिछले 3 सालों से भी सेल्स में गिरावट हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट 688 करोड़ का है, टोटल एसेट 7728 करोड़ के, इक्विटी कैपिटल 108 करोड़ का है, डिविडेंड पे आउट नहीं है, डेप्ट टू इक्विटी 0.16 का है। तो देख सकते कि डेप्ट टू इक्विटी तो अच्छी नज़र आ रही है कंपनी की, डेप्ट इतना खास ज़्यादा नहीं है पर यहाँ पे कंपनी लॉस में जा रही है जो कि चिंताजनक बात है, और जो प्रमोटर होल्डिंग भी नज़र नहीं आ रहे वो भी अच्छी बात नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। तो बाकी के पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो कंपनी के पास पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो दो ही है, जैसे कि कंपनी ने अपना जो डेप्ट है वो कम किया है और स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.75 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर। नेगेटिव बातें की भी बात की जाए तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है लो है और कंपनी ने पोअर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी लो है पिछले 3 सालों से, और डेप्ट टू इक्विटी डेप्टर्स डे की भी बात की जाए तो डेप्टर्स डे भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ चुके हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया बुल रियल इस्टेट के लिए।